सजाद लोन साहब ये कहे कि मुझे बांडीपोरा और सोनावारी से एक भी इखवानी का वोट नहीं चाहिए, क्या इसका ये मतलब कि पूरी सोनावारी और बांडीपोरा जो भी उनके लोग हैं फिर वो भी अकबर लोन साहब भी फिर इखवानी हो? मुझे इसे इखवान के नाम लेने से या कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है ये खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए? मेरे वालिद मोहतरम को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारी ऑफर्स दिए थे, हमने ठोकर मार दी। मेरे वालिद मोहतरम ने ठोकर, मैं कभी किसी से नहीं ये कहता हूँ कि आपने वोट किसको दिया, मैं ये कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हो। मैंने यहाँ पे देखा बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे, किस लिए आ रहे? मैंने कभी किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं रखा है, जो दिन में आना चाहता वो दिन में आते हैं, जिनको किसी का खौफ है वो रात में मिलना चाहते हैं, मुझे कोई अतरम रात में भी मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ टाइम आप देख रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, इस वक्त सोनावारी की हर दिल अजीज शख्सियत और उसके साथ साथ उभरते हुए लीडर इम्तियाज परे साहब मेरे साथ मौजूद है। आज इम्तियाज परे साहब से कुछ सवाल हम करना चाहेंगे। इम्तियाज परे साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। इम्तियाज परे साहब, ये बताइएगा, इस वक्त अपनी पार्टी जो है पीसी का सपोर्ट कर रही है, ये जो पार्लिमानी इंतखाबात है, तो ये बताइएगा क्या लगता है आपको, अगर यहाँ पे पीसी की जीत होती है तो क्रेडिट कौन लेगा, यासिर रशी आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली नॉर्थ कश्मीर के अंदर हमारा बराए रास्त कोई कैंडिडेट है नहीं, और पार्टी ने मशवरा लिया है अल्ताफ़ साहब की क़यादत में कि हम जो हैं आज जो रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ है, रिवायती सियासतदान हैं, उनके खिलाफ हमें एकजुट होकर आज कहीं ना कहीं उनका मुकाबला करना चाहिए। और उसी सिलसिले में आज अल्ताफ़ बुखारी साहब ने, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने नॉर्थ कश्मीर के अंदर सजाद गनी लोन साहब को हमायत का ऐलान किया है। क्रेडिट की बात नहीं है, जो हमें जानते हैं, जिनको हमारे साथ वाबस्तगी है पिछले कहीं बरसों से, उनको पता है कि ज़मीन इस तरह के हम कितने मजबूत और कितने वफादार पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। इम्तियाज़ साहब, ये बताइएगा क्या लगता है आपको, अगर आज आप पीसी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कल जब असम्बली इंतखाबात होंगे पीसी आपका सपोर्ट करेगी? लेकिन वो तो हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है ना, और मैं 20 साल से इसमें हूँ। 20 साल में मैंने बहुत बार जितने भी पार्लियामेंट इलेक्शन इसमें हुए हैं, 3-4 इलेक्शन, मैंने हर समय अपना कहीं ना कहीं वोट पार्लियामेंट के अंदर दिया है, तो मुझे कोई इसे वो कोई परेशानी तो है नहीं। हम मैं अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा वो कोई एग्रीमेंट मेरे लिए कोई माने नहीं रखता है। इम्तियाज साहब, जब आप आज लोगों को बता रहे हैं, जो आपके अपने अजीज हैं, जो आपके अपने वोटर्स हैं, जब आप आज उन्हें बोल रहे हैं कि आप पीसी को वोट करिएगा, तो आपको नहीं लगता है कि वो आपको वहां से कोई जवाब बोलते होंगे कि नहीं हम क्यों करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए ना, ये दो पार्टियों का एक डिज़ाइन बना हुआ है पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर, और असम्बली के बारे में इतना कह सकता हूँ कि हमारा कोई वो है ही नहीं कि हम किसी का, हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। हम अपने आप में मजबूत हैं, और हम नहीं चाहते कि हम किसी पर डिपेंडेंट रहें। हमें यहाँ के लोकल जो उनके लीडरशिप है या उनके, मुझे उनसे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। मेरे लोग अपने आप में बड़े मजबूत हैं, और ये जितने भी प्रोसेस आज के डेट में चल रही है उसमें बराए रास्त तो हमारा सोनावारी के अंदर और हमारा एक्टिव रोल भी है, और फ्रंट लाइन पर भी हम लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। अच्छा, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है ये खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए हुआ है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये रिवायत जो सियासत यहाँ पर चल रही है कहीं बरसों से, जो खोखले नारू और झूठी कहानियाँ लेके लोगों के सामने आते थे, उन झूठी नारों, उन खोखले नारों के खिलाफ हम जो है एक साथ हुए हैं, और हमारी कोशिश रहेगी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की कोशिश रहेगी कि जिस कैंडिडेट को हम हिमायत कर रहे हैं कि वो हमारी नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी, खासकर नॉर्थ कश्मीर की आवाम की नुमाइंदगी, बहुत सारे मसले मसाइले हमारे हैं, उन मसलों मसाइलों को हल करने के लिए एक कैंडिडेट को हमने चुना मुश्तरका तौर, और हम कोशिश करेंगे कि वो कामयाब हो जाए। अच्छा इम्तियाज बरे साहब, चूँकि आपने बार बार बात की जो आपके रिवायती सियासी हरीफ हैं, यानी कि जो रिवायती सियासतदान है यहाँ के, जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है बेचने को फिर वो ये बेचते हैं इम्तियाज परे इखवानी है, तो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? मुझे इसे इखवान के नाम लेने से या कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज कि इसको मैं 20 साल से सुन रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है कि ये उनको भी जानना चाहिए कि एक ज़माना था जब उस ज़माने के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मेरे वालिद मोहतरम जब एम एल ए सोनावारी थे, इखवान उस समय भी सरगर्म था, तो क्या ज़रूरत थी उस समय स्टेज शेयर करने की? उसने पूरे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के ऐवानों तक ये बात पहुंचाई कि ये क्रेडिट जो है जमहूरी निज़ाम को बहाल रखने में कोका परी साहब का एक अहम रोल है। मेरे वालिद मोहतरम को उस समय के चीफ मिनिस्टर ने ऑफ़र दिया था रियासत जम्मू कश्मीर का होम मिनिस्टर बनने के लिए,
मेरे वालिद मोहतरम को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारी ऑफर्स दिए थे, हमने ठोकर मार दी, मेरे वालिद मोहतरम ने ठोकर मार दी। हाँ ये बात सही है, तमाम सही थे, और आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे इख्वान के बंदूक के खिलाफ, जैसे वो कहते हैं, हमने कभी हमें पॉलिटिकल वर्कर समझा नहीं, वो हमें बंदूक बरदार की नज़र से देखते हैं, ये हिंदुस्तान की बंदूक बरदार है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ उन ताकतों को, क्या 98 में जब स्टेज शेयर किया फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और मेरे वालिद मोहतरम ने, हाजन का एक तवारी की जलसा हुआ, उसके बाद किसी और पार्टी का इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, क्या एक मिनट प्लीज़ मुझे क्लियर करने दीजिए, तब हम सही थे। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपने आज की जो नॉर्थ कश्मीर से हमारी हरीफ जो लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनने कहा कि पूरी सजाद लोन साहब ये कहे कि मुझे बाणीपुरा और सोनावारी से एक भी इखवानी का वोट नहीं चाहिए, क्या इसका ये मतलब कि पूरी सोनावारी और बाणीपुरा जो भी उनके लोग हैं, फिर वो भी अकबर लोन साहब भी फिर इखवानी हो गए? तो इखवान वाले फिर इतनी ताकतवर तो है, पॉलिटिकल वर्कर तो हम हैं, ग्राउंड लेवल पे हम काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे लोग हमें जानते हैं, तो ज़मीनी सतह की न्यूज़ तो उनके पास चली गई होगी कि वाही वाकई तौर कि इख्वानी या पॉलिटिकल तौर भी मजबूत है। तो 98 में हम सही थे कि जमहूरी निज़ाम को इनको बड़ी बड़ी कुर्सी पे बड़ी बड़ी गाड़ी में घुमाने के लिए, बैठाने के लिए हमने रोल जो निभाया, और आज हम आवाम के बीच में वो हमें दरिंदे के तौर पर पेश करते हैं। तो लिहाजा रिवायती सियासत के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हमें जो भी नाम दिया जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग हमें जानते हैं, जो पिछले कई बरसों से हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मेरी तबीयत के बारे में, मेरे नेत के बारे में, मेरी हार्ड वर्किंग के बारे में सब कुछ पता। मैं अपने आपको तस्वुर करता हूँ बाहर से 12 महीने का मजदूर की हैसियत से मैं काम करता हूँ। अच्छा इम्तियाज़ साहब ये बताएगा, अभी अभी जब मैं यहाँ से अंदर आ रहा था तो बड़ा डिफरेंट सवाल है आपसे, मैंने यहाँ पर देखा बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे थे, किस लिए आ रहे थे? लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लोग आते रहते अपने मामलात, अपनी मुश्किलात, हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ज़रूरत पड़ती रहती है, और हमने 24 घंटा अपना मकान जो है, घर जो है, या दिल खोल के रखे किसी के लिए। मैं कभी किसी से नहीं ये कहता हूँ कि आपने वोट किसको दिया, मैं ये कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हो। मेरे पास जो भी जब आता है मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी मुश्किलात का अजाला हो। मैं सुबह से लेके रात के 11-12 बजे तक, आज नहीं कि मैं किसी कंडीडेट को मंडी ये मदद कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी, इसके बगैर भी मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ अपने साथियों के लिए। मैं कह तो गुजारिश करता हूँ आपकी मीडिया के ज़रिए भी, पॉलिटिकल वर्कर की कोई बाउंड्री नहीं होती है, मेरी जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ती है स्टेट के अंदर, मैं कोशिश करता हूँ छोटे लेवल पर उनको मुश्किल को हल निकला, चाहे वो किसी की सियासी पार्टी से वाबस्ता। जनाब आप किसी से भी सोनावारी में पूछिए, आप किस से भी पूछिए, मैंने कभी ये दरवाजे पे नहीं लिखा है कि यहाँ एंट्री सिर्फ उन लोगों की है जो 20 साल से मेरे घर के साथ चलते हैं, मेरे पार्टी के साथ। यहाँ एंट्री हर एक के लिए खुली है, मैं हर एक को एक ही तराजू में तोलता हूँ, नापता हूँ। मैंने कभी किसी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं रखा है, जो दिन में आना चाहते हैं वो दिन में आते हैं, जिनको किसी का खौफ है वो रात में मिलना चाहते हैं, मुझे कोई अतर मैं रात में भी मिलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। बहरहाल आपको बता दें, बात कर रहे थे हमारे साथ इम्तियाज़ परे साहब, और इनके कहने के मुताबिक ये खुद को जो है कोई सियासी लीडर नहीं मानते, बल्कि एक वर्कर जो है, एक मजदूर मानते हैं, जो 12 महीने अपने लोगों की खिदमत के लिए हमेशा तैयार होते हैं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए मजीद अपडेट्स के लिए JK News Tribe।